हेलो फ्रेंड्स, द बर्निंग स्टार्स ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सैफ नज़ीर। दोस्तों, आज 13 नवंबर और हम डिस्कस कर रहे हैं द हिंदू। तो आइए देख लेते हैं कौन सी न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, सामने जो न्यूज़ है, फिर काउ विजिलेंटिज्म का एक केस सामने आया है। इसमें एक मुस्लिम फार्मर को मार दिया गया, राइट। तो ये रेल ट्रैक पर इनका बॉडी मिली, तो काउ विजिलेंटिज्म फिर से सुर्खियों में, राइट। अगली न्यूज़ देखिए फिर से, आपको पता होगा आशियान की मीटिंग चल रही है फिलीपींस में, राइट। तो हमारे पीएम वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, और इस मीटिंग की सबसे ख़ास बात यह है कि इस बार क्वाड्रिलेटरल की जो बात हो रही थी उसकी शुरुआत हो गई है, ठीक है। उसका ऑफिशियल जो डिस्कशन है वो शुरू हो गया है। तो उसमें देखिए क्वाड में कौन कौन सी कंट्री शामिल है, इसमें हम देख लेते हैं। क्वाड में देखिए इंडिया के अलावा इसमें जापान, US और ऑस्ट्रेलिया शामिल है, ठीक है। तो ये चार कंट्रीज इसमें, और इसमें देखिए बात जो हुई है, शुरुआत जो हुई है, इसकी शुरुआत की थी जापान के पीएम जो प्रीमियर हैं शिंजो आबे ने, राइट। तो कल कल एक डिनर भी आयोजित किया गया, इसमें ये लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे लिए हो जाती है, ये याद रखें कि 31st ये आशियान सबमिट हो रही है और 12th ईस्ट एशिया सबमिट हो रही है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए चीज़ हो जाती है, ये याद रखें, 31st आशियान, राइट, और ये 12th ईस्ट एशिया समिट। और आप लोगों को एक और चीज़ बताते चलें कि आशियान जो है अपनी 50th एनिवर्सरी मना रहा है, यानी कि आशियान को बने हुए कितने साल हो गए, 50 साल हो गए, राइट। हमने कल डिस्कस भी किया था आशियान के बारे में। तो आशियान की थोड़ा सा देख लेते हैं, आशियान की कंट्रीज़ के बारे में अगर आप कहें तो देखिए ये है आशियान कंट्रीज़, राइट। ये देखिए बुरनोई, बर्मा, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ये सारी हैं इनकी कंट्रीज़। और एक और चीज़ हम देखेंगे, इस बार जो आशियान जो हो रही है उसमें देखिए ये आशियान 50 यानी 50th एनिवर्सरी फिलीपींस में हो रही है, ये याद रखें। दूसरा ये है कि इसकी थीम क्या है, देखिए थीम है इसकी जो पर्टेनिंग फॉर चेंज इंगेजिंग द वर्ल्ड, ठीक है। कभी कभी इससे भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। तो क्या है, पार्टनरिंग है शायद, पार्टनरिंग फॉर चेंज इंगेज द वर्ल्ड, ठीक है ना। वर्ल्ड को इंगेज करके कैसे चेंज लाया जाए, ये इनकी इस बार की थीम है, राइट। तो आशियान के बारे में हमने देखा, और ईस्ट एशिया समिट जो है वो भी इसी के साथ साइमल्टेनियस होती है, ठीक है ना। तो ईस्ट एशिया समिट भी याद रखें, और आशियान हमने ऑलरेडी देख लिया है। तो देखिए जो क्वाड लेटरल हुआ, इसमें देखिए किस किन किन चीज़ों से रिलेटेड बातें हुई, इसमें थोड़ा सा डिस्कस कर लें। देखिए इसमें बातें हुई कि हम ये इन्होंने ये कहा है कि देखिए डिस्कशन फोकस्ड ऑन कोऑपरेशन बेस्ड ऑन द कन्वर्जिंग विज़न, ठीक। कन्वर्जिंग विज़न का मतलब लगभग जिसे कॉमन विज़न कह सकते हैं आप इसको, सबका एक तरीके का, ठीक है। और उसमें क्या और बातें जो डिस्कस हुई, देखिए पीस, स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, इनके प्रमोशन से रिलेटेड बातें। इसके अलावा इंटर कनेक्टेड रीजन, ठीक है, इसको बढ़ाने से रिलेटेड, और द शेयर विथ ईच अदर पार्टनर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हुई। और अदर देन दिस, देखिए फ्री, ओपन, प्रॉस्परस, इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन सर्व एज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फॉर ऑल कंट्रीज, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है, ये अगर फ्री हो, ओपन हो, तो ये और प्रॉस्परस कर सकता है, और लोगों के इंटरेस्ट को इसमें शामिल कर सकता है, ठीक है ना, और लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये सारी बातें इसमें हुई है। इसके अलावा चाइना, साउथ चाइना सी का भी इसमें मुद्दा उठाया गया, ठीक है। और इंडो पैसिफिक को कहा गया कि चूंकि ये चाइना जो साउथ चाइना सी है, चूंकि ये डिस्प्यूटेड एरिया है, तो ये कह रहे हैं कि इस पर इंटरनेशनल लॉ, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ओवर फ्लाइट, इंक्रीज कनेक्टिविटी, ठीक है। तो इसको इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि इसको काम करना चाहिए, रूल बेस्ड ऑर्डर इंडो पैसिफिक, ठीक है, रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए, और इंटरनेशनल लॉ को कह रहे हैं कि ये रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये सारी बातें वहाँ पे हुई हैं, राइट। तो हमारे लिए कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट थी मैंने बता दी, आप ये याद रखिएगा, 31st आशियान, 12th एशियन समिट, ठीक है, ठीक है ना, 31वीं आशियान हो रही है और 12th ईस्ट एशिया समिट हो रही है, और ये क्वाड्रिलेटरल इसकी शुरुआत हो गई है यहाँ पे, ये सारी चीज़ें याद रखें, ठीक है। और 50th एनिवर्सरी आशियान अपनी मना रहा है, और हो कहाँ पे रही है मीटिंग, फिलीपींस में हो रही है, ठीक है। 16 डेड एज बोट कैप्साइजेज इन कृष्णा, एक मिनट, एक और चीज़ हम देख लेते हैं, ईस्ट एशिया समिट जो है इसके जो कंट्रीज़ हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए ईस्ट एशिया जो समिट है ये देखिए उसके जो कंट्रीज़ हैं, देखिए बुरनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ये देखिए ये सारे जो है आशियान कंट्रीज़ हैं,
ये ठीक है। और ये जो है अदर कंट्रीज है, उसमें कौन कौन से, देखिए इंडिया, चाइना, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया नीचे, फिर जापान ऊपर, फिर न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया नीचे, ऑस्ट्रेलिया के पास, ये कोरिया ऊपर, फिर रशिया और यूएस, ये भी शामिल है, ठीक है ना। तो ये टोटल कितने हो जाते हैं, 18 कंट्रीज़ हैं। तो ईस्ट एशिया समिट जो है वो 18 कंट्रीज़ का ऑर्गेनाइजेशन है, और ये देखिए 15% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, और इसकी GDP भी लगभग 55% ही है, ठीक है ना। तो ईस्ट एशिया समिट के बारे में ये याद रखें, 18 कंट्रीज़, 55% पॉपुलेशन, 55% GDP, राइट। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने डिस्कस की। और ये देखिए पॉट होल्स जो हैं वो अभी भी बहुत बड़ा कंसर्न बने हुए हैं। आपको पता होगा बहुत सारे केसेस होते रहते हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो उस पर ये एक पद यात्रा चला रहे हैं वहाँ के लोग, ठीक है। तो उन्होंने देखिए क्या कहा है, बेंगलुरु ट्रैफिक होल्स अप। तो देखिए अब जो पॉट होल्स होते हैं उससे क्या होता है, ट्रैफिक पे भी असर पड़ता है, राइट। जो गाड़ियाँ स्लो हो जाती हैं उसकी वजह से, तो उसके और इसके अलावा एक्सीडेंट भी होते हैं। तो उसी पर इन्होंने ये लोग कुछ देखिए एक्टिविस्ट हैं जो, तो जहाँ जहाँ इनको पॉट होल्स मिल रहे हैं वहाँ बैठ के ये क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने कुछ जो वहाँ के सिविक बॉडी है उन्होंने कहा था कि हमने इतने वहाँ पे सारे पॉट होल्स को वो कर दिया गया, फिल कर दिया गया है, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारे बचे हैं, ठीक है। लास्ट मंथ ऑफिशियल देखिए इन्होंने कहा था कि पॉट होल्स इन द आइटल कैपिटल रिपोर्टेड BBMP वॉज 15,935 पॉट होल्स थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें, और ये देखिए एयर क्वालिटी जो है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, और जो पोल्यूशन लेवल फिर से बढ़ गया है, और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये बॉडी हमने डिस्कस की थी, इसके बारे में आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, देखिए कुछ चीज़ें जब तक ये दिल्ली का एटमोसफेयर, जब तक क्लाइमेट सही नहीं हो जाता और एयर क्वालिटी जब तक बेहतर नहीं हो जाती, तो तीन चार तो हम लोग आखिर कई बार डिस्कस कर भी चुके हैं वैसे। देखिए जैसे CPCB हुआ, एयर क्वालिटी इंडेक्स हमने डिस्कस किया, सफ़र के बारे में डिस्कस किया, NGT के बारे में डिस्कस किया, ठीक है ना। तो इस न्यूज़ में ही ये चारों चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो फिर से ये देखिए 460 को क्रॉस कर गया एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो यही है, ये कह रहे हैं कि अभी ये सुधरने का नाम नहीं ले रही है एयर क्वालिटी की, अभी भी ये हाल है। देखिए कुछ एरिया का नाम दिखा हुआ, गाज़ियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव में 492, 498, 460, ये रेस्पेक्टिवली, ठीक है, सीवियर जोन में अभी भी है। हमने बताया था ना, 300 से ज़्यादा हो तो वो किस कंडीशन में आता है, वो इमरजेंसी की कंडीशन होती है, और वो हजार्डस कंडीशन होती है, राइट। तो हमने ये ऑलरेडी बताया था, अगर आप कहें तो एक बार और देख लें, ठीक है, ये देख लेते हैं। देखिए यही वो कंडीशन है, 0 to 50 ये नॉर्मल होता है, ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री होता है, मॉडरेट होता है 51 to 100, इसके अलावा 100 to 150 क्या होता है, ये इसमें हेल्थ की प्रॉब्लम आने लगती है, 151 से 200 के बीच में, ये इसमें सबको, इसमें एलर्जिक लोगों को दिक्कत आती है, सेंसिटिव लोगों को, इसमें सबको धीरे धीरे दिक्कत आने लगती है, और 201 से लेकर 301 तक ये हेल्थ अलर्ट सबके लिए हो जाता है, ठीक है। और ये तो फिर तो लास्ट वाली कंडीशन तो हजार्डस की कंडीशन है जो हम लोग फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी, और बढ़ते आगे, देखिए जो ये आप लोगों को पता होगा पराली जिसको कहते हैं, जिसकी वजह बता जिसको माना जा रहा है कि बहुत बड़ा रीज़न है ये एयर पोल्यूशन के लिए, तो उसके लिए कुछ फार्म एक्सपर्ट्स और कुछ लोग इकट्ठा हुए, देखिए उससे रिलेटेड बात करें कि उससे कैसे टैकल किया जाए। तो इन्होंने देखिए क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए जो इसको मतलब दूर करने में ना, ठीक है। इन्होंने कहा डिवाइस स्ट्रेटजी टू मैनेज स्टेबल बर्निंग, ठीक है ना, कोई ऐसी डिवाइस स्ट्रेटजी लाइए जो कि स्टेबल बर्निंग को रोकने में मदद हो और एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, ठीक है। उसके लिए इन्होंने कहा है देखिए सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम लिए जाने की ज़रूरत है, इसके अलावा कंबाइंड हार्वेस्ट मस्ट बी कंपलसरी, ठीक है, कंबाइंड हार्वेस्टर कह रहे हैं इसको ज़रूरी किए जाने की सिस्टम ज़रूरत है, राइट, सो दैट फार्मर कुड इजिली मैनेज द हार्वेस्टेड स्ट्रॉ, ठीक है, हार्वेस्टेड स्ट्रॉ को अच्छे से मैनेज कर सके। इसके अलावा कह रहे हैं पैडी स्ट्रॉ को उसी में मतलब जलाने के बजाय उसी में अगर छोड़ दिया जाए तो वो और बेहतर होगा, देख रहे हैं, फील्ड रेदर दैन इट्स रिमूवल बाय द वे ऑफ द बेल्स एट द लेटर में क्रिएट्स अदर इकोलॉजिकल इशूज, उसी को उसमें छोड़ दिया जाए जलाने के बजाय उसको बंडल के फॉर्म में बेल्स बना के, तो वो और ज़्यादा कह रहे हैं यूज़फुल होगा। इसके अलावा हैप्पी सीडर जो ये हैप्पी सीडर यही वो है जिसको इसमें काटने में मदद मिलती है, लेकिन ये बहुत महंगा होता है, राइट, तो इसको नॉर्मल फार्मर यूज़ नहीं कर सकते, तो उसको भी कह रहे हैं कि उसको भी इफेक्टिव टूल है, इसको डायरेक्ट सोविंग ऑफ वीट आफ्टर पैडी हार्वेस्टिंग। और इसके अलावा देखिए कुछ और चीज़ें, इन्होंने कटर कम स्प्रेडर तो मुल्चर जिसको कहते हैं, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है, तो ये कह रहे हैं इन सब चीज़ों को यूज़ करके इसको दूर किया जा सकता है, राइट। अगली न्यूज़ देख लेते हैं, इस पेज पे कोई स्पेशल न्यूज़ नहीं है हमारे लिए। और ये देखिए हज पॉलिसी आप लोगों को अगर पता हो तो अभी आई है, तो हज पॉलिसी में इस बार कुछ चेंजेस किए गए, और न्यू पॉलिसी में क्या किया गया है कि वुमेन अगर 45 साल से ज़्यादा की है तो वो ग्रुप में सफ़र कर सकती है, ठीक है। अक्सर क्या होता है
कि वुमेन अगर जाना चाहती है तो एक तो उन्हें ढूंढना पड़ता है कि कोई बंदा घर का जाए, ठीक है। तो उस केसेस में क्या होगा, अगर वो अकेले जाना चाहती है तो वो जा सकती है 3-4 के ग्रुप में, ठीक है, उनकी एज अगर 45 से ज़्यादा हो। इसके अलावा ये रिजर्वेशन देंगे इस नए हज पॉलिसी में का जो एक नया प्रोविज़न है उसमें ये करें कि 70 अगर एबव है तो उनको क्या दिया जाएगा, वो रिजर्वेशन मिलेगा, राइट। और कुछ 21 मेजर इम्बार्केशन पॉइंट जहाँ से जा सकेंगे लोग, वो 21 मेजर पॉइंट है, ठीक है ना। लेकिन ये कह रहे हैं कि आप अगर ये मेजर पॉइंट से जाते हैं जैसे मुंबई दिल्ली कोलकाता से, तो आपको कुछ सस्ता पड़ेगा, ठीक है ना। टायर टू सिटीज़ के बजाय अगर आप दिल्ली मुंबई कोलकाता से जाते हैं तो आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा, ठीक है ना। और 1.1 लाख कह रहे हैं कि पेड करना है, और श्रीनगर के लोगों को 73,000 पेड करना है, ठीक है, नहीं सॉरी, 73,000 दिल्ली में, और अगर श्रीनगर से आप जाते हैं तो 1.1 लाख करना है, राइट। तो थोड़ा सा हमने ये देखा, और बढ़ते आगे, तो स्किपिंग दिस एड पेज, और इस पर कुछ खास है नहीं। देखिए कंबाला की ये हमने देखा था, वैसे कंबाला कल भी कंबाला, ये देखिए केरला के, ये हमने बताया था ना कि केरला और कर्नाटका दोनों के ये कोस्टल एरिया में ये सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो ये देखिए काजीकोड में हो रहा है, और ये देखिए एक सोशल से रिलेटेड ये न्यूज़ है। इसमें क्या किया गया, पहली बार किसी दलित ने किसी मूर्ति का, अम्बेडकर की मूर्ति का इन्होंने उद्घाटन किया है, राइट। तो अच्छी चीज़ है। अब देखिए मनरेगा से रिलेटेड न्यूज़ आ रही है बार बार, ये इसमें पेंडिंग, इसमें काफ़ी अभी पेमेंट पेंडिंग देखने को मिल रही है, राइट। तो 330 करोड़ देखिए अभी भी मनरेगा के अंतर्गत में ये सारे पैसे जो है फंसे हुए हैं, राइट। तो इसकी वजह से अगर पैसे फंसे होंगे तो देखिए, चूंकि ये वर्कर्स को काफ़ी दिक्कत आएगी इसमें, क्योंकि वो तो डेली वेजर्स होते हैं ना, तो ये देखिए सारी ह्यूज क्या नाम है पेमेंट अभी भी पेंडिंग है। और ये देखिए एक न्यूज़ है, फर्स्ट फाना सर्वे हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है, कृष्णा सेंचुरी में, राइट। फर्स्ट फाना सर्वे बिगिंस इन कृष्णा सेंचुरी। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कृष्णा सेंचुरी वन ऑफ द रेयरेस्ट इको रीजन वर्ल्ड का, ठीक है ना। तो ये क्या है, रेयरेस्ट इको रीजन है वर्ल्ड का, और देखिए एरिया लिखा हुआ है 194.8, और इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था कब, 1998 में, राइट। तो थोड़ा सा कृष्णा सेंचुरी की लोकेशन देख लें, ये देखिए ये है कृष्णा से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। ये आंध्रा है, ये जो थोड़ा सा डीप पार्ट है ये आंध्रा है, राइट। तो ये है कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए बढ़ते हैं आगे, अगली जो न्यूज़ है ये देखिए, एमयू प्रोफेसर वाइफ एलिज तलाक ऑन व्हाट्सएप पे, किसी एमयू के प्रोफेसर ने तलाक दे दिया है। तो देखिए अभी भी तलाक के केसेस चल रहे हैं, राइट। और ओडिशा स्कूल्स गो ऑन टीवी हंट, देखिए चिल्ड्रेंस डे है, चिल्ड्रेंस डे कब मनाया जाता है 14 नवंबर को, तो ये जवाहरलाल नेहरू के बर्थ एनिवर्सरी, राइट। तो उसमें देखिए क्या कर रहे हैं कि ये हमारे ओडिशा के जो चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, इनका फर्स्ट टेलीविज़न एड्रेस होने जा रहा है। तो वहाँ पे कुछ ऐसे स्कूल हैं जिन वहाँ पे उनको चिंता बढ़ गई है क्योंकि उनके पास टेलीविज़न की फैसिलिटी नहीं है, राइट। तो अगली न्यूज़ देख लेते हैं, अगली न्यूज़ देखिए एक इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा एक चीज़ ये डिस्कस करूँ, ये इंटरव्यू लिया गया है, ये है टिमोथी वाल्स, ठीक है। टिमोथी वाल्स ये है प्रोफेसर है, तो इनसे इन्होंने ये कहा है कि चाइना और पाकिस्तान जो है उनको ज़्यादा दिक्कत है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की, इंडिया में अभी वो प्रॉब्लम नहीं है, इंडियाज़ प्रॉब्लम इज़ एंटीबायोटिक कम्स। तो ये कह रहे हैं कि अभी आई डोंट थिंक इंडियाज़ प्रॉब्लम की मतलब उतनी सीवियर है, राइट। और इन्होंने ये भी लिखा है कि वी वांट योर चीप एंटीबायोटिक्स, ये कह रहे हैं कि हम आपके एंटीबायोटिक्स तो चाहते हैं क्योंकि वहाँ की चीप है, बट वी हैवन टफ इनफ ऑन कंपनीज सच एज रैनबैक्सी टू मेक श्योर दैट एफ्लुएंट्स फ्रॉम दिस फैक्ट्रीज आर क्लीन इनफ। तो ये कह रहे हैं कि रैनबैक्सी वगैरह कंपनी को भी हम मतलब श्योर इतने नहीं है कि वो कह दें कि वो उतने क्लीन है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। हाँ ये देखिए, अमेरिकन लॉन्चेज द सत्याग्रह टू फ्री इंडियन। तो ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं आपको पता होगा, BIS जैसे स्टैंडर्ड हो गया, तो इसमें क्या होता है कि क्वालिटी, मतलब स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि क्वालिटी को शो करता है, ठीक है ना। मतलब ये BIS का मार्क का मतलब ये हुआ कि आप ये जैसे उसमें जो इंग्रेडिएंट है वो सेफ़ है, ठीक है ना, उसमें जो भी क्वांटिटी है वो बैलेंस्ड वे में, ये सारी चीज़ें ये शो करता है। तो इन्होंने कहा है कि इसको एक तरीके से अपील की है, इस NGO है कोई, तो उसने अपील की है कि ये क्या किया जाए, इनका ही है मिस्टर बलमुंद जो है, इनका ही NGO है, इन्होंने PIL दिल्ली हाई कोर्ट में डाली है कि जो BIS होती है उसको सारी डिटेल को ऑनलाइन किया जाए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, और इन्होंने क्या किया है
मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के साथ मिलकर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एट द BIS एज रिस्पॉन्डेंट अपीलिंग द मेक द स्टैंडर्ड्स फ्रीली अवेलेबल टू द पब्लिक लार्ज, ठीक है ना, ताकि सभी लोगों को ये चीज़ें अवेलेबल हो। और ये देखिए निर्भया केस में जो ये कन्विक्टेड हुए थे ये लोग, इन्होंने PIL फाइल वो सॉरी फिर से रिव्यू अपील फाइल किए, ठीक है ना। और बढ़ते हैं आगे, ये एडिटोरियल थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। हाँ ये फिर वही साउथ, तो ये जो आशियान जो सबमिट हो रही है तो उसमें ये कहा गया है कि इस बार जो मेन इश्यूज जो उठाए जाने हैं वो देखिए कौन कौन से हैं, उनमें साउथ चाइना सी रोहिंग्या इशू ये मेन होंगे, ठीक है। तो इन्होंने ये लिखा है मैरीटाइम डिस्प्यूट ओवर साउथ चाइना सी एग्जोडस ऑफ रोहिंग्या म्यांमार इंटू बांग्लादेश और नॉर्थ कोरिया, ठीक है, और इसके अलावा टेररिज्म से ISIS से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पे भी देखिए लिखा हुआ है ये 31st आशियान सबमिट हो रही है फिलीपींस में, राइट। और आशियान ये लिख रहा है कि इसमें आशियान में इस बार एक और चीज़ हो सकती है कि इन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट फॉर कॉमन मैरीटाइम की बात हो रही है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये इस बार उसको हरी झंडी मिल जाएगी, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश हो सकता है इस रोहिंग्या वाले इशू को इसमें उठाए, और आंग सान सू जो वहाँ की वो भी वहाँ पे पहुँच गई है, इसके अलावा टेररिज्म से रिलेटेड भी बातें हो सकती हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें, तो साउथ चाइना सी के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। साउथ चाइना सी का मैप देखिए, साउथ चाइना सी ये जो है यही है जिसको चाइना क्लेम करता है कि ये एरिया मेरा है, राइट। और इसके अलावा इनके डिस्प्यूट किससे चलते हैं, देखिए ताइवान है इनसे डिस्प्यूट चलते हैं, फिलीपींस भी इसमें एक पार्ट है, और इसके अलावा वियतनाम भी इसमें एक पार्टी है, राइट। तो मेन जो कंसर्न है ये ताइवान का ही है, हालांकि ये लोग भी हैं इसमें, और ब्रुनोई ये सब भी, ये सब डिस्प्यूटेड एरिया है और सारे कंट्रीज इसमें शामिल है, ठीक है ना। तो ये हमने देखा, इसके अलावा थोड़ा सा और इसको देखते हैं। देखिए यही है, और इसमें कौन कौन से, ये देखिए इंपॉर्टेंट मुझे दिखाना मकसद ये था, ये आपका पार्सल आइलैंड स्प्राटली आइलैंड, तो ये याद याद रखें, ये पार्सल है ये वाला जो एरिया है, और ये वाला क्या है, ये वाला स्प्राटली आइलैंड है, ठीक है ना। और इसको भी आप याद रख सकते हैं, ये प्राटाज आइलैंड, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने के लिए हाँ ये देखिए 100 केरला ये कह रहे हैं कि नियरली 100 केरलाइट्स में ज्वाइंट IS, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके अलावा फॉरेनर इशू देखिए, आसाम में आपको पता होगा, आसाम में बहुत पहले से इशू चला रहा है कि वहाँ पे ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग इल्लीगली वहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है ना। तो उसी से रिलेटेड वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, और हालांकि ये देखिए अभी एक चीज़ सामने आई थी, वहाँ के एक सोल्जर थे उनको भी सस्पेक्ट कर दिया गया था कि वो वहाँ पे इल्लीगल हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा ये कह रहे हैं कि वो तो लोकल जो पंचायत होती हैं उनकी वजह से भी कुछ दिक्कत आ रही, क्योंकि उन पर जो इलिटरेट लोग जो होते हैं तो उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होती, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं होती, ठीक है ना। तो इसकी वजह से उनके डॉक्यूमेंट इनवैलिड कर दिए जाते हैं, तो वो एक तरीके से इसकी वजह से वो इल्लीगल मान ले जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो तो वहाँ की लोकल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं आगे, फिर ये देखिए हाँ नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, कस्तूरी रंगन पैनल इस पर काम कर रहा है, तो ये कह रहे हैं कि अभी जल्दी ये आ जाएगी दिसंबर तक, ठीक है, फर्स्ट ड्राफ्ट बाय एंड ऑफ दिसंबर तक ये आ जाएगी, तो उसमें देखेंगे आने के बाद इसमें क्या है, ठीक है। और ये देखिए सुप्रीम कोर्ट हुई जायसवाल प्ली टुडे, देखिए जो हम केस डिस्कस कर रहे थे 2 दिनों से, तो उसमें हियरिंग जो हो रही थी वो आज होनी है, राइट। इसमें केस क्या था, केस इसमें इन्वॉल्व है करप्शन का, और इसमें ये चार्जेस लगे हैं सुप्रीम, ये क्या नाम है, जजेस पे, कि जजेस ने पैसे लेके क्या किया है, इसको केस को फेवर करने की कोशिश की है, ठीक है, उनके हक में करने की कोशिश की है। ये एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का केस था, उसमें ये बात सामने आई थी। तो इसमें एक डिसीजन, इसमें इन्होंने प्रशांत भूषण ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर भी आरोप लगाया था, और इसमें एक ये भी चीज़ आई थी, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि क्या है, ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज़ अ मास्टर ऑफ रोस्टर एंड ही एलोन एज प्रेरोगेटिव टू कॉन्स्टिट्यूट। हाँ इन्होंने कल कहा था कि ये देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वही मास्टर ऑफ रोस्टर होता है, और वही डिसाइड करेगा कि किस बेंच में आपका केस लगना है, ठीक है ना, वही एलोकेट करेगा केसेस को किस बेंच में लगना है, ठीक है ना। तो पहले आपको CJI को इन्फॉर्म करने का, ये बातें सामने आई थी, राइट। इसके अलावा कोलेजियम देखिए कितनी सारी वैकेंसीज है इंडिया में, हमारे कोर्टेज में देर आर 413 वैकेंसीज ऑफ जजेज अक्रॉस द स्टेट, देख रहे हैं 413 वैकेंसीज है, तो इसमें से अभी ये फिल करने जा रहे हैं 126 जजेस ये अपॉइंट हुए हैं 2016 में, अभी ये फिल करने जा रहे हैं। द सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम विल टेक अ कॉल ऑन अपॉइंटिंग 40 जजेस
फोर्टी जजेस है 9 हाई कोर्ट्स में, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि इवन एंड 106 जजेस हैव बीन अपॉइंटेड टू दी सिचुएशन। तो ये कह रहे हैं कि 106 जो जज हैं वो इस साल अपॉइंट किए जा चुके हैं, 40 को और ये 9 हाई कोर्ट में अपॉइंट किए जाने की बात कर रहे हैं, राइट। तो ये सारे हमारी सिचुएशन है हमारी किसकी, जुडिशरी की, राइट। 24 हाई कोर्ट हमारे वहाँ हैं और 1079 कह रहे हैं कि अप्रूव्ड स्ट्रेंथ ऑफ द जजेस इन द 24 हाई कोर्ट वॉज 1079, देर वर 400, 1079 टोटल इनकी स्ट्रेंथ है, ठीक है ना, और 413 वैकेंसीज है उसमें से, तो इसीलिए इतने सारे पेंडिंग केसेस आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, राइट। और ये देखिए एयर शो हो रहा है दुबई में, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये देखिए बांग्लादेश में कुछ कोई केस हुआ था किसी जो माइनॉरिटी होते हैं वहाँ पे, क्योंकि हिंदू वहाँ पे माइनॉरिटी है, तो वहाँ पे किसी के घर को जला दिया गया था, उनकी हेल्प करने की बात सुषमा स्वराज कर रही है। इसके अलावा एक न्यूज़ ये देखिए, जो हम्बद तोता एरिया है वहाँ पे लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ के लोगों की लाइवलीहुड की प्रॉब्लम आ रही है, तो उन्होंने वहाँ पे राजपक्षे ने कहा है कि हम वन जॉब वन फैमिली देंगे। राजपक्षे एनबीसी से उन्होंने कहा कि हम्बद तोता को सेकेंड कैपिटल बनाएंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर उस डेवलप करेंगे और जॉब ताकि प्रोवाइड कर सके, ठीक है ना। तो इसकी इन्होंने बात कही है। और तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, हम देख लेते हैं हम्बद तोता, राइट। तो हम्बद तोता ये देखिए, ये श्रीलंका का मैप है और ये आप लोगों को हम्बद तोता दिख सकता है यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही स्ट्रेटजिक लोकेशन है ये, और जो हमारा पोर्ट है वो यहाँ पे है त्रिंको माली में, ये देखिए, राइट। तो दैट्स इट, ये हमने देखा। इसके अलावा ये देखिए जो फतेहउल्ला है, ये इनके पर आरोप था कि इन्होंने वहाँ पे टर्की में जो अभी कू हुआ था, ठीक है ना, उसमें इनको इन्हीं के ऊपर आरोप था। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यूएस से कुछ पैसे लेके इनको एक तरीके से एक्सट्राडाइट करने की बात की थी, तो यूएस ने ऑफ़र किया था, ये ऐसी कुछ बातें आ रही है, यूएस ऑफर टू डिपोर्ट हिम इन रिटर्न ऑफ मनी, यूएस ने पैसे देकर इनको डिपोर्ट करने की बात की थी, तो अंकारा ने इनको रिजेक्ट किया है, ठीक है। साउथ चाइना सी, ट्रंप ऑफर्स टू मीडिएट साउथ चाइना सी डिस्प्यूट, तो ट्रंप ने साउथ चाइना सी को एक तरीके से डिस्प्यूट को ख़त्म करने की बात की है, ठीक है, ठीक है, एक उसमें स्टेप लिया है। और उन्होंने कहा है कि ये बहुत, और जबकि कुछ और लोगों ने कहा है कि ये एक थॉर्नी इशू है, तो बेटर यही है कि इसको अनटच रखा जाए, इसको टच ना किया जाए, इसको डिस्कस ना किया जाए, ठीक है। तो देखिए ट्रंप ने क्या कहा है, ट्रंप लैंडेड इन फिलीपींस और उन्होंने ये कहा है कि ज़रूरत इस बात की है कि मीडिएट किया जाए कॉम्पिटिंग क्लेम्स आते साउथ चाइना सी, ठीक है, ताकि इसको जो टेंशन है वहाँ पे उसको ख़त्म किया जा सके। और डिस्प्यूट का हक किसका किसका है, फोर्थ लिख रहा है कि फोर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज एंड ताइवान कंट्रीज, ठीक है, चार और ताइवान, ये लोग इसको क्या कर रहे हैं, साउथ चाइना सी को इसको कंटेस्ट कर रहे हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। और प्रेसिडेंट डिस्टेंस हिमसेल्फ फ्रॉम अर्लियर रिमार्क्स ऑन पुतिन, तो प्रेसिडेंट ने जो अपने पुतिन पे जो एक तरीके से आरोप लगाए थे उसको उन्होंने कहा किया है, इस बार कुछ कहने से मना कर दिया, राइट। इसके अलावा देखिए जो करेंसी जो है पब्लिक के पास वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, यानी कैश होल्ड जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो एक तरीके से हम जो लेस कैश की बात कर रहे थे वो एक तरीके से अब मतलब पूरा होता, वो सपना है पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये देखिए रेशियो कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है और 14.7% की ग्रोथ हुई है, ठीक है। और ये देखिए पहले कितना था, ये पहले था 12 लाख रुपये कुछ थे मार्च में, और ये अब हो गए 15 लाख रुपये, तो बहुत तेज़ी से ये बढ़ रहा है, राइट। इसके अलावा इस पे कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। और मोर कैपिटल इन पीएसबी, हाँ जेटली जी ने कहा है कि और भी कैपिटल इन्फ्यूज़न की ज़रूरत है पीएसबी की ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो ये देखिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये कह रहे हैं कि इसको ज़रूरत क्या है कि इसके जो स्टार्टअप हैं उनको एक तरीके से और ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा उसको बढ़ाने की, उसको और ज़्यादा प्रमोट करने की, ठीक है ना। तो ये स्पोर्ट का पेज, एक और न्यूज़ डिस्कस करेंगे हम नीचे शायद है, हाँ ये देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए साबित हो सकती है। देखिए जो लोग साइकोलॉजिकल थोड़ा सा स्ट्रेस में होते हैं, टेंशन में होते हैं, उनके लिए है कि ब्लू लाइट जो होती है वो आपको काफ़ी रिलैक्स प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। तो ये कहते हैं स्ट्रेस को कम कर सकती है, ऐसा इन्होंने स्टडी में
पाया है। तो आप कभी भी टेंशन में हो तो ब्लू लाइट का यूज़ करें, ब्लू लाइट में बैठे, ठीक है। एक आर्टिफिशियल जो सिस्टम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉरी जो है, वो इमोशन को भी अब देखिए आइडेंटिफाई करने में सक्षम हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ये करें, साइंटिस्ट हैव क्रिएटेड अ न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम दैट कैन आइडेंटिफाई इन अ रेंज ऑफ इमोशंस, ठीक है। पहले ये इमोशंस वगैरह को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता था, हैप्पीनेस टू डिसगस्ट, ठीक है ना। ह्यूमन स्पीच में भी इसको अब ये ह्यूमन स्पीच में मतलब इमोशंस जो होते हैं उनको अब ये आइडेंटिफाई कर पाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।